मोरे जिया। बुलाने आ रही थी मैं। वो हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं और हमें 7 दिन किस चीज के लिए 7 दिन भाभी? आदर्श स्वाधीनता की शादी पापा, सारी रस्में प्लान करनी है ना। ओ हाँ ऑफ कोर्स भाभी, आदर्श भैया और स्वाधीनता की शादी है, इतनी सारी रस्में होनी है। लेकिन भाभी ये सारी रस्में कब कब होंगी और कहाँ कहाँ होंगी, ये सारी बातें तो हमें मॉम के साथ बैठ कर डिसाइड करनी चाहिए ना। तो अरे मॉम मॉम आइए ना। पानी ये लीजिए पानी। थैंक यू मॉम। मैं और जया भाभी ने ये डिस्कस कर रहे थे कि आदर्श भैया और स्वाधीनता की शादी में बहुत सारी रस्में होंगी ना, तो वो सारी रस्में कब कब होंगी, कहाँ कहाँ होंगी, कुछ बताइए ना मॉम, कुछ प्लान करते हैं ना, कितनी सारी तैयारियां भी तो करनी है। कर लेंगे तैयारी अब। अरे मामा वेट, जल्दी है, ऑफ कोर्स जल्दी है, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है हमारे पास, एंड दैट्स अबाउट इट। रस्मों में क्या प्रिपरेशंस करनी है कुछ नहीं पता, अभी बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हॉल में सबको बुला लो, बैठ कर बात कर लेते हैं। हाँ चलो आप। अच्छा अभी मैंने ये लाइट ब्लू कलर की जीन्स निकाली है। कौन सी वाली, प्लेन या स्ट्राइप? अरे बाबा तुमने जो कही है वही वाली निकाली है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इसके साथ ये लाइट ग्रीन और ब्लू कलर वाली कैसी रहेगी? थिंक लाइट ब्लू शर्ट विल लुक गुड। पता है अगर मॉम को पता चलेगा ना कि मैं अपनी अलमारी के सारे कपड़ों की फोटो क्लिक कर कर तुम्हें भेज रहा हूँ और तुम घर बैठ के मेरे कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रही हो तो क्या सोचेगी? मतलब I'm sure वो मनोहर अंकल के लिए अब भी सिलेक्ट करती है कपड़े। अरे सॉरी ये तो बताओ कि इस कॉम्बिनेशन में टाई कौन सी अच्छी लगेगी? तुमने अभी क्या पहन के रखा है? एक टॉवल पहना, मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगा। पेशरम हो क्या? अरे पेशरम की क्या बात है, वैसे भी अब मैं तुम्हारा आधा पति तो बन ही चुका हूँ। आधी पति? हाँ एंगेजमेंट हो गई तो आधा पति, और जब शादी होगी तो पूरा पति। और उस हिसाब से मुझे अब तक तुम्हारे साथ आधी सुहागरात भी मना लेनी चाहिए थी। आदर्श स्टॉप बीइंग सो बेशरम। हाँ कुछ भी बोलते हो तुम। देखो तुम टॉपिक मत बदलो। मैं कहाँ टॉपिक चेंज कर रही हूँ, अब एनीवे मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पे बात। अच्छा लिसन, आज जो मूवी देखने वाले हैं ना उसके टिकट्स का क्या हुआ? हाँ वो मैंने अभय को कह दिया, ऑफिस से आते वक्त मूवी की टिकट्स भी लेता आएगा। So don't worry, आज की मूवी टिकट्स 100% कंफर्म। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आवर फर्स्ट मूवी डेट। अच्छा सुनो तुम रेडी हो जाना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। हाँ अरे इट्स ओके मैं आ जाऊंगी। अरे बोला ना पिक कर लूंगा मैं। बोला ना मैं आ जाऊंगी। I love you, bye. Okay, bye. Love you. व्रतम पालिकै पालिकै नंदी। अम्मा रस्मों की लिस्ट बना रही हो ना? हाँ तुम मामू मामी को तो बताओ ये क्या है। हाँ बताऊंगी ना भाई साहब, रतम का मतलब है। अरे क्या कर रही हो यहाँ घर में बैठकर रसम की लिस्ट बना रही हो, वो भी समधियों से पूछे बिना? अब जो भी इस घर में होगा ना वो सुहासिनी जी से पूछ कर ही होगा, सुहासिनी जी से पूछे बिना कोई रसम नहीं होगी। अब एक मिनट आप बैठे। अरे बैठिए ना, बैठिए 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 इधर बैठिए। क्या हुआ? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अप्पा, क्या हुआ? अब हमें आदर्श के फैमिली से कंसल्ट करना चाहिए, माना मैंने, पर
जो हमें करना है वो तो हमें करना चाहिए ना। आप प्लीज किसी और के लिए आप अपने आप को मत बदलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही। भाई साहब ये बिल्कुल सही कह रही है, जो हुआ है ना वो बीत चुका है और आगे जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसे है ना हम सबको वैसे ही अच्छे लगते हो। आप बैठिए हमारे साथ और तमिल रिचुअल्स की लिस्ट बनाते हैं और फिर दिखाते दिल्ली वालों को। और वैसे भी वो लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, हम भी तो लड़की वाले हैं। एग्जैक्टली अप्पा, हम लड़की वाले हैं। सुनो अभी के साथ साथ अब तुम आदर्श को भी बुला लो, ठीक है? मैं जयदेव को बुला के लेके आती हूं। आदर्श भैया, आदर्श भैया, आदर्श भैया, क्या हो गया बेबी, कहाँ से आ रहे हो? वो मैं आदर्श भैया और तुमको ही ढूंढ रही थी। मॉम ने बुलाया ना अगले 7 दिनों की रस्मों को प्लान करने के लिए, तुम चलो ना। चलो बुला लेते ना उन्हें। अरे आदर्श भैया नहा रहे हैं शायद, तुम चलो ना, वो खुद आ जाएंगे। चलो ना बेबी, चलो, चलो। आप समझ नहीं रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ। एक सेकंड रुको आप। अच्छा फूड आइटम्स में मुझे इंडियन और चाइनीज के अलावा लेबनीज भी रखवाइए और मुगलाई भी रखवाइए। एक काम करते हैं ना, हम बिहारी रस्मों के हिसाब से एक लिस्ट बना लेते हैं और तमिल रस्मों के हिसाब से भी लिस्ट बना लेते हैं। मॉम मैं क्या कहती हूँ, एक हैपनिंग सी ना डांस पार्टी रख लेते। ये रस्मों की बात कर रही है, तुम डांस पार्टी ले आई बीच में। मामा पहले आप ये तो बताओ ना कि आपको आइडिया कैसा लगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से हम। अच्छा डेजर्ट्स में क्या रख रहे हैं सर आप? अरे बेबी चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम मेरा फेवरेट। वो बोलो ना, बोलो ना। सर आपको लाइसेंस अपना कैंसिल ना करो ना, तो ये सब करवा दीजिए। छोटू मैंने बात कर लिया, जस्ट रिलैक्स। ये जो तुम्हारी चॉकलेट जो भी है वो ठीक है, पर ये डांस नहीं होगा। एक डांस हो चुका ना उस पार्टी में, उस डांस की वजह से सबकी जिंदगी में तूफान आ गया था। आई एम नो मोर डांसिंग। मॉम मैंने उसे बिहारी और तमिलियन दोनों टाइप के फूड के लिए बोल दिया। चलो ठीक। आदर्श भैया आइए ना, आपकी शादी की प्लानिंग चल रही है, रस्में वगैरह की सिलेक्शन वगैरह, आइए ना, आइए ना। क्यों परेशान हो इतने, क्या हुआ? मॉम मेरी रिंग नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई। एंगेजमेंट रिंग? आपने एंगेजमेंट रिंग खो दी भैया? बेबी एक मिनट, भाई ऐसे कैसे रिंग खो दी? पता नहीं छोटू, मैंने अपने रूम की साइड टेबल पर रखी थी और मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि रिंग है कहां। अब अपना खेल खेलने का वक्त आ गया।
जी एक काम करो, सर्वेंट्स को बुलाओ और पता करो। हाँ भैया, घर में ढूंढिए ना, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, है ना मॉम? हाँ, घर में ही होगी, कहाँ बाहर जाएगी। आदर्श अपने कमरे में देख लो। मोरे जिया।